दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिशियन से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर है। दोस्तों इंटरव्यू में इलेक्ट्रिशियन से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किया जाता है वो यही किया जाता है कि व्हाई फ्यूज ऑलवेज यूज इन फेस नॉट इन न्यूट्रल, कि फ्यूज को हमेशा फेस में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, न्यूट्रल में क्यों नहीं किया जाता। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले थोड़ा समझाऊंगा, फिर लास्ट में मैं आपको दो आंसर बताऊंगा, उन दोनों आंसर को आप एक एक करके इंटरव्यू में बता सकते हो। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज, मैंने यहाँ पर दो कंडीशन लिए। सबसे पहली कंडीशन लिए जिसके अंदर मैंने फ्यूज को कनेक्ट कर रखा है, वो कर रखा है फेस वायर के अंदर। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा फेस वायर है, ठीक है, ये फेस लिखा हुआ है और ये है हमारा न्यूट्रल वायर और यहाँ पे एक मैंने मोटर चला रखी है, ठीक है। तो इस मोटर को फेस यहाँ से मिल गया और न्यूट्रल यहाँ से मिल गया। इसी तरह दोस्तों एक और मैंने कंडीशन ले रखी जिसके अंदर मैंने फ्यूज को जोड़ रखा है न्यूट्रल के अंदर। ये आपको न्यूट्रल दिख रहा है और ये है हमारा यहाँ पे फ्यूज और इसमें जो फेस है वो फेस हमारा डायरेक्ट मोटर को जा रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया दो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी अगर हम न्यूट्रल के अंदर फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फेस की बात कर लेते हैं, तो फेस के अंदर कोई इशू नहीं रहेगा। जैसे हमारी कोई मोटर है, ये जो मेरी मोटर है, इस मोटर की जो फुल लोड करंट की कैपेसिटी है, मतलब इस मोटर का जो FLC है, फुल लोड करंट कैपेसिटी, वो है दोस्तों इस मोटर की 5 एम्पीयर, ठीक है। फुल लोड करंट कैपेसिटी वो होती है जैसे हमारा कोई भी उपकरण की हो सकती है, जैसे मोटर की नहीं, इसके अलावा कोई बल्ब की भी हो सकती है, हर चीज की होती है। जैसे इस बल्ब पर लिखा हुआ है 2 एम्पीयर, है ना, 2 एम्पीयर इस बल्ब पर लिखा है। तो दोस्तों अगर इस बल्ब से 2 एम्पीयर से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब होगा, ये बल्ब खराब हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों जो मोटर होती है उस मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है और उस वाइंडिंग की भी फुल लोड करंट कैपेसिटी होती है। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरी जो मोटर है, ये मोटर की वाइंडिंग जो है 5 एम्पीयर तक करंट को झेल सकती है, 5 एम्पीयर ज्यादा इसकी वाइंडिंग से, मतलब कि इस मोटर से करंट फ्लो होगा तो हमारी जो मोटर है ये मोटर जल जाएगी, ठीक है। अब जैसे मेरी मोटर है, ये मेरी मोटर 5 एम्पीयर की, 5 एम्पीयर ज्यादा करंट लेनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो फ्यूज कनेक्ट कर दूंगा वो कर दूंगा मैं यहाँ पे 5 एम्पीयर से कम का। तो जैसे मैंने समझ लिया कि मैंने यहाँ पे 4 एम्पीयर का फ्यूज कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों अब जो मेरी मोटर चल रही है, जैसे मेरी जो मोटर है, मेरी मोटर नॉर्मल कंडीशन में चल रही है जो कि 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर करंट ले रही है। पर अगर मेरी मोटर ज़्यादा करंट ले लग जाएगी, यानी मेरी मोटर जाम चलने लग जाएगी, इसका बेयरिंग खराब हो जाएगा, तो क्या ये ज़्यादा करंट लेगी, ठीक है। तो ज़्यादा करंट लेने के कारण हमारी जो मोटर के जो एम्पियर होंगे वो एम्पियर बढ़ जाएंगे, तो ये 3 एम्पियर से बढ़ के 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर ज़्यादा 5 एम्पियर फ्लो लग जाएगा। तो जैसे ही हमारा जो फेस होता है, आपको पता है जो हमारा जो करंट होता है वो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो जो करंट होता है वो करंट हमारा फेस से जाता है और न्यूट्रल से वापस से निकल जाता है। तो यही होती है हमारी करंट की डायरेक्शन। अब जैसे हमारी जो मोटर है वो मोटर ज़्यादा करंट ले रही है, तो दोस्तों हमारा जो फेस वायर में से करंट जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये फ्यूज से निकलेगा, ठीक है। जैसे अगर मेरी मोटर है, मेरी मोटर 3 एम्पीयर करंट ले, 3 एम्पीयर जो है वो 3 एम्पीयर इस फेस से निकला, फ्यूज से होता हुआ वापस से हमारी मोटर के अंदर गया, ठीक है। पर अगर जैसे यहाँ पे 4 एम्पीयर, फिर 4 एम्पीयर ज़्यादा करंट लेगी मोटर, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो फ्यूज है ये फ्यूज का 4 एम्पीयर ज़्यादा करंट झेल ही नहीं पाएगा। तो 4 एम्पीयर ज़्यादा अगर इस फ्यूज से करंट निकलेगा, इस वायर से करंट निकलेगा, तो क्या होगा, ये फ्यूज उसी समय ओपन हो जाएगा और हमारी मोटर के अंदर ज़्यादा करंट नहीं जा पाएगा और हमारा फ्यूज जो होगा वो ओपन होकर हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। पर दोस्तों अगर न्यूट्रल के अंदर फ्यूज कनेक्ट है तो हमारी क्या इशू आएगी, तो दोस्तों सबसे पहला इशू जो हमारा आएगा वो आएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो मोटर है वो मोटर का फुल लोड करंट कैपेसिटी है 5 एम्पीयर और दोस्तों मैंने जो यहाँ पे न्यूट्रल पे जो फ्यूज लगा रखा है वो भी मैंने बिल्कुल सही 4 एम्पीयर का ही लगा रखा है कि अगर 4 एम्पीयर ज्यादा करंट निकले और ये हमारा फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, अब जैसे मेरी मोटर पहले की तरह मोटर जाम हो गई, बेयरिंग मोटर के जाम हो गए और मोटर हमारी ज्यादा करंट लेने लगी, जैसे हमारी मोटर 6 एम्पीयर करंट लेने लगी, तो दोस्तों 6 एम्पीयर करंट क्या होगा, सबसे पहले हमारा फेस से निकलेगा, वो 6 एम्पीयर करंट इस फेस से निकलता हुआ हमारी मोटर के अंदर जाएगा, मोटर से निकलता हुआ फिर बाद में यहां पे आएगा और फिर बाद में हमारे फ्यूज में 6 एम्पीयर आएगा, है ना। सबसे पहले करंट कहां जाएगा, फेस से निकलेगा, फिर मोटर के अंदर घूम के, वाइंडिंग से घूम के, फिर हमारा न्यूट्रल के थ्रू वापस से जाएगा, बाद में हमारे फ्यूज के अंदर एम्पीयर जो होगा वो एम्पीयर 6 एम्पीयर जाएगा, तो उस समय हमारा फ्यूज ओपन होगा। पर दोस्तों फ्यूज के ओपन होने से पहले हमारा जो करंट है वो करंट तो मोटर के अंदर से गुजर चुका है और हमारी मोटर जो होगी वो मोटर जल जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम बता दी, अब सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम क्या है, जिसके अंदर तो आपका फ्यूज बिल्कुल ही काम नहीं देगा, ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, हमारा फ्यूज ओपन ही नहीं होगा। दोस्तों वो कौन सी कंडीशन होगी, किसी भी कारण से या तो हमारी मोटर जो है, मोटर हमारी ग्राउंड हो गई। ग्राउंड के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा जो फैन है, फैन के अंदर फैन हमारा ग्राउंड हो गया, तो फैन का जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग क्या होती है, बॉडी के शॉर्ट हो जाती है। तो बॉडी के शॉर्ट होने के कारण क्या होता है, यहां से इसको बॉडी अर्थ मिल जाता है ना। तो दोस्तों अब क्या होगा, अगर हमारा ऐसे कुछ केस हो गया तो हमारे क्या, हमारा जो उपकरण है, जैसे मोटर है, तो मोटर की जो बॉडी होगी उस पर करंट घूमने लग जाएगा, यानी बॉडी पे करंट घूमेगा। तो दोस्तों अब ग्राउंड की कंडीशन हो गई तो भी हमारी मोटर के ज्यादा करंट लगेगी, तो मैं मान लेता हूँ जैसे यहाँ पे 6 या फिर 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। पर दोस्तों अब जो 10 एम्पीयर भी करंट फ्लो हो रहा है ना, तो भी हमारा जो फ्यूज है, फ्यूज ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फेस है, फेस से पहले की तरह 10 एम्पीयर अब करंट जाने लग जाएगा, तो 10 एम्पीयर करंट जाएगा। पर दोस्तों अब क्या होगा, अब यहाँ पे मोटर पे 10 एम्पीयर जैसे ही करंट आएगा, तो क्या मोटर, तो हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग बॉडी हट हो चुकी है, तो जो हमारा जो करंट
करंट है वो करंट न्यूट्रल से जाने की बजाय हमारा क्या होगा अर्थ से जाने लग जाएगा और अर्थ से जाता रहेगा और हमारा जो सर्किट होगा वो सर्किट ऐसे घूमता रहेगा और हमारा क्या होगा हमारे फ्यूज भी ओपन नहीं होगा और अगर हम कोई हमारे उपकरण को जाकर टच करेंगे तो हमको भी इलेक्ट्रिकल का शॉक लग सकता है। तो दोस्तों अगर आपने इंटरव्यू में ये सवाल किया जाता है तो आपको क्या आंसर देना है, आपको सिर्फ दो आंसर देना है। सबसे पहला आंसर आपको देना है कि हमारा जो करंट होता है वो करंट हमारा फेस से निकलता है, फेस से निकल के फिर बाद में न्यूट्रल के अंदर जाता है और हमारे कभी ओवरलोड की कंडीशन होती है तो हमारा जो करंट होगा वो करंट पहले ही हमारे उपकरण से चला जाएगा, उसके बाद में न्यूट्रल पे जाएगा और फिर बाद में हमारा जो फ्यूज है फ्यूज ओपन होगा। तो इस कंडीशन में हमारा उपकरण खराब पहले ही हो जाएगा, उसके बाद में हमारा न्यूट्रल में करंट जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या बोलना है, हमारा जो करंट है वो करंट पहले फेस से निकलता है फिर बाद में न्यूट्रल में जाता है, इसलिए हमको जो फ्यूज है फ्यूज फेस में कनेक्ट करना चाहिए। सेकंड रीजन आपको यह बताना है कि हमारा जो करंट होता है वो करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस का रास्ता चुनता है और सबसे ज्यादा कम रेजिस्टेंस होता है हमारे अर्थ के अंदर, और अगर हमने फ्यूज न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट कर रखा है तो दोस्तों हमारा क्या होगा, हमारा जो करंट होगा वो करंट फेस से निकल के हमारे अर्थ के अंदर चले जाएगा और हमारे न्यूट्रल वायर से करंट जाना ही बंद कर देगा, जिससे न्यूट्रल में लगा फ्यूज ओपन नहीं होगा और हमारे सर्किट के अंदर निरंतर करंट घूमता रहेगा, जिससे हमको इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड की पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और दोस्तों यहाँ पे जो आपको सारे आर्टिकल मिलेंगे ये इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए जिसका नाम है engineeringdost.com। दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।